जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके इतने जोरदार तालियों का, आपके इतने जोरदार अभिवादन का। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है और मैं बेसिकली मैं आगरा का रहने वाला हूं। जिस तरह से आपने इस बिजनेस को देखा था, मैंने भी इस बिजनेस को देखा था। आज से कुछ साल पहले एक शख्स ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था और दोस्तों जब उस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को बताने के बाद मुझे समझाया कि इस बिजनेस की वजह से कमाया जा सकता है 8 लाख रुपया महीना, क्या यकीन हो सकता है? नहीं यकीन। मानिए दोस्तों मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 8 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था और जब उस शख्स ने मुझे सामने मुझे बताया कि इस बिजनेस से कमाया जा सकता है 8 लाख रुपया महीना, मैंने बड़े ही प्यार से मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, आज की तारीख में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं और आज मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद भी मुझे साल में 8 लाख रुपया आएगा या नहीं, और आप मुझे महीने का 8 लाख रुपया कमाने की बात बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एक चीज कही जाती है कि अगर पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में रहता है तो शायद आपको पता नहीं चलेगा वो इंसान क्या कमाता है। यस या नो? लेकिन दोस्तों मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि पैसा कमाने वाले व्यक्ति मुझसे बहुत दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत नजदीक थे, और जब वो लगातार इस काम को करते चले जा रहे थे और जब उनकी आमदनी इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपया महीना यहां से जब आने लगी तो दोस्तों मेरे दिल और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक विचार आया कि कुछ भी हो लेकिन आज के जमाने में लाखों रुपया कमाना कोई हंसी मजाक तो नहीं है। उस समय दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए, मुझे भी लगा कि शायद इस बिजनेस की वजह से मेरा भी जीवन बदल सकता है, मुझे भी लगने लगा कि हाँ मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सब कुछ तो ठीक है, करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद अगर मेरे साथ दो नहीं बने तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरी बात को कौन मानेगा, मेरे साथ कौन जुड़ेगा, यह विचार मेरे दिमाग में चल ही रहा था। तो उन्होंने सामने बैठकर मुझसे पूछा कि अजय जी अब आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने उनसे कहा कि सर सब कुछ तो सही है, मैं करना भी चाहता हूं, मैं कर भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ दो नहीं बने तो। उन्होंने दोस्तों मुझसे एक सवाल पूछा, एक सीधा साधा सवाल उससे उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी मुझे एक बात बताओ कि मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पर चलता है? मैंने भी कहा 4। उन्होंने बोला मरने के बाद अगर एक मुर्दा अपने लिए 4 कंधों को तलाश लेता है तो अजय पंडित जरा सोच, अगर तू जिंदा है तो जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम दो कंधों को तलाश नहीं सकता क्या? ये बात सुनते ही दोस्तों एकदम तीर की तरह ये बात सीने में चुभ गई और लगने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मरने से पहले अपने लिए 2 कंधों को तो मैं जरूर तलाश के ले आऊंगा। और आज से 3.5 साल पहले इस बिजनेस को अपनी जिंदगी का मिशन मानकर 3.5 साल पहले करने की शुरुआत की। मेरे साथ 2 लोग भी आए, मेरे साथ 4 लोग भी आए, मेरे साथ 16 लोग भी आए। अरे बात छोड़िए गिनतियों में, मेरे साथ 1,000 आया, मेरे साथ 2,000 आए, 3,000 आए, 4,000 भी आए, 5,000 भी आए, 6,000 भी आए, 7,000 भी आए, 8,000 भी आए, 9,000 भी आए, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 10,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। 10,000 लोग। उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति को खुद को भी यकीन नहीं था कि उसके साथ 2 लोग भी बन सकते थे, 10,000 लोग उस शख्स के साथ जिसे यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पीछे कोई चलने वाला व्यक्ति भी होगा। लेकिन दोस्तों सिस्टम का साथ और अपलाइन की बात ने कमाल कर दिया और 10,000 लोग आज मेरे साथ आ गए। जब दोस्तों बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी इससे पहले मेरे पापा ने दोस्तों मुझे एक साइकिल दिलाई हुई थी जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को करने के बाद सिर्फ 19 महीने की मेहनत के बाद ही ये साइकिल पर चलने वाला लड़का अपने खुद की खरीदी हुई न्यू ब्रांड एसी कार में चलने वाला व्यक्ति सिर्फ 19 महीने की मेहनत को करने के बाद ही बन चुका था। सिर्फ 19 महीने। थैंक यू। विश्वास करें दोस्तों, जब इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी,
बहुत बड़ा विचार नहीं था, बहुत बड़ी सोच को लेकर मैंने इस काम को मैंने करने की शुरुआत नहीं की थी। पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था। जब भी मुझे मेरे जेब के खर्चे की जरूरत पड़ती थी, कभी अपने पापा से मांगा करता था, कभी अपनी मम्मी से मांगा करता था। मैंने सिर्फ इतना सा सोचा कि अगर इस काम को करने के बाद अगर महीने का 2,000 रुपए भी अगर आने लगा तो कम से कम मुझे जेब खर्चे के लिए अपनी मम्मी या अपने पापा को कम से कम परेशान करने की मुझे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतनी छोटी सोच को लेकर 3.5 साल पहले इस कारोबार की शुरुआत की थी। लेकिन आज दोस्तों, आज ये आपके बीच में कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि जो शख्स कभी 2,000 रुपए महीना कमाने की सोच को लेकर जिसने इस काम की शुरुआत की थी, आज वो शख्स अपने गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से, इस सिस्टम की वजह से महीने में नहीं बल्कि सप्ताह में लाखों रुपया हर सप्ताह कमाता है, हर सप्ताह कमाता है, हर सप्ताह कमाता है, हर सप्ताह कमाता है लाखों रुपया हर सप्ताह। थैंक यू। बिलीव करें दोस्तों, मैं किसी करोड़पति घर से नहीं हूं। मेरे पिताजी इससे पहले कभी मजदूरी किया करते थे। आज उनकी उम्र 60 साल है। पिछले 40 साल से मजदूरी करने के बावजूद भी उन्होंने हम बच्चों को हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। मुझे शुरू से उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। जब भी कभी दोस्तों कॉन्वेंट स्कूल में गरीबी होने के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब भी कभी मेरे कॉलेज की तरफ से, मेरे स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक या कोई टूर नैनीताल का, शिमला का, कहीं भी अगर निकलता था, भूल से भी अपने माँ बाप को इसके बारे में नहीं बताता था कि मेरे स्कूल की तरफ से नैनीताल का टूर है या मेरे स्कूल की तरफ से शिमला का टूर है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए न जाने कितने सारे लोगों के सामने हाथ फैलाया था, तब कहीं जाकर उनका ये बेटा पढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच डाले थे, तब कहीं जाकर उनका ये बच्चा पढ़ रहा था। और मुझे इस बात का डर था कि अगर गलती से अगर मेरे माँ बाप को अगर ये मालूम पड़ गया कि मेरे स्कूल की तरफ से नैनीताल का टूर है या शिमला का टूर है, तो पता नहीं मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप बेटे के छोटी सी खुशी को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या बेच डालेंगे। इस डर की वजह से कभी भूल से भी नहीं बताया करता था कि कोई टूर है या पिकनिक है। लेकिन दोस्तों आज ये कहते हुए आप लोगों के बीच में बड़ा गर्व होता है कि आज इस सिस्टम की वजह से और अपने अप्लायंस की वजह से आज हिंदुस्तान के भीतर ऐसा कोई भी महंगे से महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जिस टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने 5-स्टार होटल में रुक के ना लिया हो। चाहे नैनीताल हो, शिमला हो, गुड़गांव हो, जैसलमेर हो, मुंबई हो, पुणे हो, जो मन में आए सो बोल डालो, हिंदुस्तान के हर महंगे से महंगे और हर बड़े से बड़े टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने लिया है। हिंदुस्तान छोड़ो दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से हाल ही में मैं सिंगापुर और मलेशिया, बैंकॉक और पटाया जैसे न जाने कितने सारे कंट्रीज का मजा मैंने इस बिजनेस की वजह से मैंने दोस्तों लिया है। थैंक यू दोस्तों। मुझे याद है जब आज से कई साल पहले जब मैं इस शहर में पहली बार आया था, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा पहन के मैं इस शहर में आया था, बदन पर सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा था। सूरज पॉल चौक पर मैं 1,000 रुपए के कमरे में मैं किराए में रहा करता था। मेरे पास बिछाने के लिए चटाई भी नहीं थी, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था। मेरे साथ जिन लोगों ने मुझसे मेरे साथ काम करने की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने घर में से उठाकर मेरे लिए एक पलंग लगाया था कि सर आप इस पर सो लेना। अपने घर से लाकर मुझे बिस्तर दिया था कि सर आप सर्दी लगे तो इसको ओढ़ लेना। कुछ भी मेरे पास में नहीं था जब इस काम को मैंने करने की शुरुआत की थी। यही सूरज पॉल चौक पर 1,000 रुपए के कमरे पे किराए पे रहा करता था। और दोस्तों कई बार ऐसा हुआ करता था कि वो 1,000 रुपए का कमरे का किराया मैंने लिया तो जरूर था, लेकिन मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि अगला महीना जब आएगा तो अगला महीना 1,000 रुपए का कमरे का किराया मैं चुकाऊंगा कहां से। दोस्तों एक बार तो स्थिति ये आ गई कि 3-3 महीना गुजर गया था और 3-3 महीने से मैंने उस मकान मालिक को मैंने किराया भी नहीं दिया था। वो मकान मालिक हर दूसरे दिन मुझसे पूछता था कि किराया, हर दूसरे दिन किराया। और मैं यही सोच के परेशान हो जाता था कि मेरे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, इस मकान मालिक को मैं किराया 3 महीने का कहां से दूं। मैं दोस्तों सब कुछ छोड़कर अपने घर चला गया। माँ बाप ने जब मुझे देखा, कई दिनों से ये लड़का घर में ही पड़ा हुआ है, बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो परेशान क्यों है। और जब मैंने उन्हें बताया कि 3 महीने से मैंने कमरे का किराया नहीं दिया है, मकान मालिक रोज मुझसे किराए के लिए बोलता है, मैं परेशान होकर छोड़कर मैं उस जगह आ गया हूं। कर्जा मांग के मेरे पापा ने 3,000 रुपए दिया मकान मालिक को। जब मैंने किराया दिया तब दोस्तों दोबारा भरतपुर के भीतर मैंने काम करने की शुरुआत की।
दोस्तों इस हालत में इस बिजनेस को करने की शुरुआत की थी। परिस्थिति यह थी कि 1000 रुपए का कमरे का किराया भी इस शहर के भीतर मेंटेन करना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों आज गर्व से कहता हूं, इस बिजनेस की वजह से, आज अपने अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से, सिर्फ 3.5 साल की मेहनत के बाद 50 लाख रुपए का मकान का मालिक आज ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जो इस शहर के भीतर 1000 रुपए का कमरे का किराया नहीं मेंटेन कर सकता था। शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों विश्वास करें, जिंदगी में सपने कब कितने बड़े हो जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है दोस्तों, जब एक समय था कि जब मेरी जब मेरी शादी हुई थी, उस नई शादी के दरमियान अगर मेरी बीवी अगर मुझसे कहती कि 500 रुपए की साड़ी चाहिए, विश्वास करें दोस्तों, इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपनी बीवी की 500 रुपए की साड़ी पर मैं दिलवा पाता। क्यों? क्योंकि खाने के लिए पेट में 100 रुपए का नोट नहीं था और बीवी को पहनाने के लिए 500 रुपए की साड़ी कहां से देता। लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस की वजह से अगर बात करूं तो आज इस बिजनेस ने इतनी बड़ी औकात बना दी है कि आज उस बीवी को जहां मैं 500 रुपए की साड़ी से नहीं पहनवा पाता था, इस बिजनेस की वजह से 50,000 रुपए की कीमत की साड़ी को पहनाने की औकात इस बिजनेस ने आज मेरी बना दी है। 50,000 रुपए की साड़ी, पूरे खानदान में मेरे किसी ने 50,000 रुपए की साड़ी को देखा नहीं होगा। शायद बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को पूरी जिंदगी 50,000 रुपए की कीमत में साड़ी में पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन इस बिजनेस ने आज औकात इतनी बड़ी बना दी है। दोस्तों एक समय था कि मेरा यह मानना था कि सबसे सस्ती चीजें, अगर सबसे अच्छी चीजें अगर कहीं मिलती है तो वो फुटपाथ पे मिलती है। मानते हैं आप लोग भी? क्यों? क्योंकि फुटपाथ पे सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं और सबसे सस्ती चीजें सबसे अच्छी होती हैं। हाँ या ना? मैं ये मानता था। और फुटपाथ पे ढेर सारी दुकानें हुआ करती थी जिन दुकानों पर घड़ियां बिका करती थी, और उन फुटपाथ पर जहां पर घड़ियां बिका करती थी 150 रुपए की घड़ी मिलती थी, 200 रुपए की घड़ी मिलती थी, चाइनीज वाली घड़ियां। आपने देखी है कि नहीं देखी है? चाइना वाला माल वो घड़ियां। और मेरा ये मानना था कि जो घड़ियां जो होती हैं वो सिर्फ समय बताने के लिए होती है, बाकी इसका दूसरा काम क्या है। वो 150 रुपए की घड़ी पहन के मैं खुश हो जाया करता था। और जिंदगी में सबसे महंगी घड़ी जो मुझे पहनने को मिली वो मेरी शादी पर मुझे मेरे ससुर जी ने मुझे तोहफे में दिया, 2000 रुपए की घड़ी दी थी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी में इससे महंगी घड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं यही समझता था कि घड़ी सिर्फ समय दिखाने के लिए होती है। लेकिन दोस्तों आज फक्र से कहता हूं, इस बिजनेस की वजह से, अपने अपलाइन की वजह से, जो लड़का कभी अपने जिंदगी में 150 रुपए से ज्यादा कीमत की घड़ी नहीं पहन पाया, इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपए कीमत की राडो जैसी घड़ी को पहनता है। इस बिजनेस की वजह से सही बात है, वो 150 रुपए की घड़ी समय दिखाने के लिए काफी था, आज ये लाखों रुपए की घड़ी वो भी समय दिखाती है। लेकिन ये लाख रुपए की घड़ी इस बात को बताती है जमाने को कि ये लाखों रुपए की घड़ी पहनने वाला व्यक्ति आज जिंदगी की जरूरत को पूरा करने की ताकत नहीं रखता, बल्कि जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये लाख रुपए की घड़ी जरूरत नहीं, चाहत है, चाहत है, चाहत है। आज चाहतों को पूरा करने की ताकत इस बिजनेस ने आज मुझे दी है। जरूरतों के हिसाब से जिंदगी नहीं चलती। पिछले दो साल से दोस्तों मैं एक 4 लाख रुपए की ईऑन कार को चला रहा हूं, 4 लाख रुपए की ईऑन कार। आज दोस्तों बड़ा गर्व होता है आपके बीच में कहते हुए कि वो मजदूर का बेटा जिस घर में साइकिल के बाद मोटरसाइकिल खरीदना भी सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। सपना समझते हैं आप? समझते हैं? सपना वो जो कभी जिंदगी में पूरा ना हो उसे सपना कहते हैं। यानी मोटरसाइकिल खरीदना भी सपना, यानी इस जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते, सिर्फ सपनों में देख सकते हैं लेकिन पाया नहीं जा सकता। लेकिन आज उस मजदूर घर के इस बेटे की औकात आज इतनी बड़ी हो गई कि आज इस सिस्टम की वजह से और अपने गुरुओं की आशीर्वाद की वजह से ये मजदूर का बेटा 50 लाख रुपए की कीमत की ऑडी कार बुक करके आपके सामने खड़ा है। 50 लाख रुपए की ऑडी कार, 50 लाख रुपया। लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद अपने लिए 50 लाख रुपए का मकान नहीं बना पाते हैं, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आपके सामने खड़ा होके ये ऐलान कर रहा हूं कि आज इस बिजनेस की वजह से ये 1.5 पसली वाला लड़का, जिसकी औकात नहीं है, जिसकी शक्ल नहीं है, जिसकी सूरत नहीं है, लेकिन इस बिजनेस ने इतनी बड़ी औकात बना दी है कि 50 लाख रुपए की कार में चलने वाला शख्स ये आपके बीच में खड़ा हो गया, जितने की वजन, जितने की हड्डियों की वजन उसके भीतर नहीं है। ये बिजनेस इतनी बड़ी औकात बना सकता है। क्या जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी चाहिए? यस या नो?
क्या जिंदगी को जरूरतों की जगह चाहतों के साथ जीना चाहते हैं? यस या नो? चाहते हैं यस या नो? बजा के बताओ कितने लोगों को लगता है कि चाहतों के साथ जीवन चाहिए। क्या बात है, चाहतों के साथ जीवन जीने वालों के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों आप लोगों के लिए हो जाए।